दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर जामिया प्रदर्शनकारियों के सामने जाते हैं और खुलेआम गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल करते हैं और उस व्यक्ति के पीछे दर्जनों पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन उस पुलिस वाले ने प्रयास नहीं किया कि उस व्यक्ति के पैर में गोली मार दी जाए या पकड़ा जाए या उसे रोका जाए। लेकिन वो व्यक्ति को तब तक आज़ादी मिलती है जब तक वो गोली चलाकर एक प्रदर्शनकारी को घायल नहीं कर देते। यह वह व्यक्ति है जो हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। इसने हिंदुत्व की बात करने की बात कही है, हिंदू हूँ हिंदू रहूँगा ऐसा वो कहते हैं, और दिल्ली चुनाव को देखते हुए दिल्ली में हिंदू मुसलमान की भावना को फैलाने के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर अमित शाह तक तरह तरह के भाषण दिया कर रहे हैं। उसी के दरमियान पिछले दो महीना से जामिया में जो प्रदर्शनकारी CAA NRC के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर सड़क पर यह शख्स खुलेआम खड़ा होते हैं और गोली चलाकर एक को घायल कर देते हैं, मगर प्रदर्शनकारी अपने आप को नहीं खोते और न उग्र भीड़ इन व्यक्ति के पीछे दौड़ती है, इन गुंडाई करने वाले गुंडा के पीछे दौड़ती है। पुलिस वाली देखती रहती है, पुलिस वाले के सामने गोली चलाती है, लेकिन पुलिस वाले ने कोशिश नहीं किया कि उसे रोकने के लिए उसके पैर में गोली चलाई जाए या पिस्टल निकालकर पुलिस वाला उसे सचेत करे कि रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, या डरवाने का प्रयास नहीं किया पुलिस वाला। आरोप तो यह लगता है कि उसे पुलिस का संरक्षण था और उसे पता था कि मुझे पुलिस का संरक्षण है, मुझे मॉब नहीं रपेट कर मार सकती, मुझे कोई नहीं। ऐसा फेसबुक में उन्होंने लिखा भी है कि मैं मर जाऊं तो मेरे को भगवा वस्त्र मेरे शरीर पर डाल के मुझे जलाने ले जाना और जय श्री राम का नारा लगाना। तो कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान की भावना दिल्ली में फैलाकर चुनाव में फायदा लेने की बात कही जा रही है और एक शख्स खुलेआम हाथ में पिस्टल लेकर गुंडई पर उतर जाते हैं और जामिया के प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देते हैं। पुलिस पीछे खड़ा होकर देखती रहती है। क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही हिंदुत्व का नमूना है? क्या इसी से देश में सत्ता चल सकता है? क्या इसे गंदा खेल नहीं कहा जा सकता कि पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, कि राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है? देश में बेरोजगारी भुखमरी को मिटाने के बजाय आज हिंदू मुसलमान उग्र प्रदर्शन, और अब यहाँ तक समय आ चुका है। जबकि दिल्ली में पूर्व में JNU में झंझट होने पर एक व्यक्ति ने गछा था कि मैंने करवाया, उसे भी कुछ नहीं की गई। आज ये व्यक्ति पिस्टल लेकर खुलेआम गोली चलाते हैं दुनिया के सामने, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इसे पकड़ पाती है या कुछ कर सकती है। तो दोस्तों यह खेल बहुत ही खराब खेल है। इस खेल में धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का जो षड्यंत्र है यह गलत है। इसकी निंदा भूरी भूरी निंदा होनी चाहिए हर व्यक्ति की तरफ से। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।